a very warm welcome to all of you to Discovery Ride with Rafia Aslam. And मैं अभी भी कराची में हूँ. The reason being, you know it again, कि यहाँ पे बहुत सारी locations हैं to explore. So what I'm trying to do is कि मैं रोज़ कोशिश करती हूँ कि एक तो मैं समंदर पे लाजमी जाऊँ किसी न किसी साले समंदर पर. उसके साथ साथ एक जो खाना है ना रोज़ का वो डेफिनेटली कवर करूँ. उसकी वजह ये है कि कराची जो है इट्स नॉट ओनली द सिटी ऑफ लाइट्स बट ऑल्सो एज आई सेड अर्लियर इट्स अ सिटी ऑफ डिलाइट्स एज वेल. तो खाने जो हैं वो कराची के ही हैं और इतना कुछ है यहाँ खाने के लिए खाने के हवाले से कि मैं इसको तकरीबन अगर अगले दो तीन हफ्ते भी सिर्फ खाने एक्सप्लोर करती रहूँ ना फिर भी शायद खत्म नहीं होंगे. सो दिस इज़ द रीज़न कि मैंने डेली पे एक खाना रखा होता है कि हमने कोई ना कोई खाने की जगह एक्सप्लोर करनी है. जैसे कि आप टेकिंग यू गाइड्स टू बर्न्स रोड, फिर उसके अलावा आप टेकिंग यू गाइड्स टू वासिया नली बिरयानी, फिर उसके अलावा मैं आपको जावेद निहारी जो है वहाँ पर भी लेके गई. सो या आई एम ट्राइंग कि इस तरह से जो खाने की जगह है वो भी कवर करते चलें. साथ साथ आई एम ट्राइंग कि डेली जो है डेली नहीं है एटलीस्ट कभी ना कभी यानी कि एक दिन छोड़ के भी इफ़ आई एबल टू गो कि मैं साहले समंदर पे चले जाऊँ. सो टुडेज़ एपिसोड इज़ गोना बी लाइक कि हम लोग जाएंगे एक और साहले समंदर वाली जगह पे विच इज़ चाइना पोर्ट. और नाम सुन के आपको ऐसा लग रहा होगा दैट एक्चुअली इट्स अ पोर्ट बट एक्चुअली इट्स नॉट अ पोर्ट. ये एक स्पेसिफिक जगह बनी हुई है और इसको चूँकि चाइना ने बनाया था इसलिए इसको चाइना पोर्ट कहते हैं. और ये जगह जो है पोर्ट भी नहीं है, कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी नहीं है. इसको बेसिकली बनाया गया था जो बहरी जहाज़ होते हैं ना उनको बड़ी बड़ी समंदर की जो ख़तरनाक लहरें हैं उनसे बचाने के लिए. लेकिन वो जगह बनी बहुत खूबसूरत हुई है. सो वी गोना गो देयर एंड विल एक्सप्लोर दैट. और उसके अलावा जो है अच्छा पहले थोड़ा सा प्लान आज का डिस्कस कर लेते हैं कि क्या करना है. सबसे पहले तो मैं अभी जाऊँगी चाइना पोर्ट. चाइना पोर्ट से फ्री होने के बाद वहाँ से आई एम गोना टेक यू टू अनदर अमेजिंग प्लेस जिसका मुझे बहुत से लोगों ने कहा था कि आपने उसको लाजम विज़िट करना है. दैट इज़ TDF मैग्नीफाइड साइंस सेंटर. अच्छा मैं TDF घर भी गई हूँ. TDF घर वॉज अनदर अमेजिंग प्लेस. बेसिकली ये द दाऊद फाउंडेशन की एक कह लें कि प्रोजेक्ट है TDF घर भी और मैग्नीफाइड साइंस भी. वहाँ पर उन्होंने बड़े बेहतरीन से काम किया हुआ है. एक बड़ी मज़े की जगह बनाई हुई है लोगों के लिए कि वो आके बैठ सकते हैं, डिस्कशंस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं. ये सारी चीज़ें दीज आर इंक्लूडेड. और इसी तरह से मैग्नीफाइड साइंस जो है वो भी कह लें कि नाम से एज इट सेज़ कि इट हैज़ मैग्नीफाइड साइंस. और बड़ा डिटेल्ड जो डिस्क्रिप्शन है साइंस के हवाले से चाहे वो बायोलॉजी है चाहे वो फिज़िक्स है केमिस्ट्री है इन सब के हवाले से आपको बहुत डिटेल चीज़ें वहाँ से मिलती हैं. सो मैं अभी तक गई तो नहीं हुई हूँ. आई एम गोना गो देयर फॉर द फर्स्ट टाइम. सो वी गो एक्सप्लोर दैट एज वेल. जाके देखेंगे कि उसमें कितनी मज़े मज़े की चीज़ें हैं. सो आफ्टर दैट आई हैव अ प्लान टू टेक यू टू दोराजीज. और दोराजीज इन अदर फूड स्ट्रीट कराची की जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है खाने के लिए. और दोराजी के जो मैंने सबसे ज़्यादा सुने ना दैट इज़ गोला गंडा कि आपने वहाँ का गोला गंडा लाजमी खाना है. और हम गोला गंडा खाएंगे. उसके अलावा अगर मुझे और फूड स्ट्रीट्स मिले तो आई एम गोना ट्राई दोज एज वेल. थाली भी मैंने सुना हुआ है वहाँ की बहुत मशहूर है. एक और चीज़ जो कि मैं बताना भूल गई दैट इज़ एक्चुअली खाउसे जिसे खाउसे या खाउसा भी कहते हैं. सो आई एम गोना गो देयर टू ईट दैट. उसको भी एक्सप्लोर करेंगे. बेसिकली जो खाउसा है वो पाकिस्तानी डिश नहीं है, ये मेमनों की खास डिश है और वो उन्हीं की वजह से ही मशहूर है. सो हम जाएंगे भी मेमन बाइट्स पे टू ट्राई खाउसा और देखते हैं कि उसका टेस्ट कैसा होता है क्योंकि वो मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई करनी है. सो आई एम एक्साइटेड टू एक्सप्लोर कराची एज फूड एज वेल. सो अभी सबसे पहले चलते हैं चाइना पोर्ट और चल के चाइना पोर्ट को देखते हैं. चाइना पोर्ट पे पहुंच गई हूँ और ये चाइना पोर्ट का बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है. एक लंबा सा ट्रैक बना हुआ है. तो अभी बस मैंने बाइक के अपनी यहाँ पे पार्क कर दी, अपने ग्लव्स और अपने जो जितने भी सेफ्टी गियर्स हैं वो उतार के रख दिए हैं. तो अभी चलते हैं आगे और कोशिश करते हैं अगर हम एंड तक जा सकें और वहाँ से व्यू ले सकें. चाइना
मरीना पोर्ट है सच अ मेसमराइजिंग व्यू. यहाँ पे तो सबसे पहले आपको शहर का भी बड़ा खूबसूरत मिलता है, पीछे आपको इनफैक्ट बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी नज़र आ रही होंगी, यू वुड हैव दैट व्यू एज वेल. उसके साथ यहाँ पे पीछे आपको कुछ मछेरे भी नज़र आ रहे होंगे कश्तियों में, वो इस वक्त बेसिकली निकल रहे हैं अभी मछलियाँ पकड़ने के लिए, जाएंगे कुछ आगे तक मछलियाँ पकड़ के ला के फिर वो उनको सेल आउट करते हैं, और यही उनका बेसिकली रोजी का जरिया भी है. और यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं वो भी आपको नज़र आ रहे होंगे, यू वुड हैव दैट व्यू एज वेल. और इस जगह की खास बात एक आ रही है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश नहीं होता, जैसे सी व्यू हो गया या क्लिफ्टन बीच हो गया या हॉक्स भी हो गया, वहाँ पे फिर भी थोड़ा सा आपको रश मिलता है, यहाँ पे आपको रश नहीं मिलेगा. एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड ऐसा होता है पूरे दिन का जहाँ पे यहाँ बिल्कुल लोगों का रश नहीं होता. आप तब आ सकते हैं, सुबह के वक्त में आ सकते हैं, तब भी लोग नहीं होते हैं, और आप इस व्यू को इन्जॉय कर सकते हैं. यहाँ पर आके स्विमिंग भी कर सकते हैं और आप यहाँ पर आके फिशिंग भी कर सकते हैं. और यहाँ पर इस वक्त चूँकि सूरज थोड़ा सा ऊपर चला गया और उसकी जो रोशनी है, उसकी जो शुआएँ हैं, वो समंदर पर पड़ी हैं, और बहुत ही खूबसूरत व्यू आ रहा है. ऐसे लग रहा है जैसे दूर दूर तक जो है ना वो शीशे चमक रहे हैं, और साथ ही साथ लहरों का शोर जो है वो भी आ रहा है, और सारी चीज़ें मिलके एक आपको बहुत ही मज़े की फीलिंग होती है ना, दैट एक्चुअली यू गेट्स व्हाइल बीइंग हियर एट चाइना पोर्ट. जो आपको इतने बड़े बड़े पत्थर नज़र आ रहे हैं, देर बींग कॉल्ड एज टेट्रापॉड्स, और इन टेट्रापॉड्स की मदद से ही ये जो पूरा ट्रैक है चाइना पॉड का ये बनाया गया है. इनका व्यू बहुत खूबसूरत आता है. आपको थोड़ा सा लग रहा होगा मुझे सांस चढ़ गया, क्योंकि ये बहुत लंबी पट्टी है, और अगर आप एंड तक चलते जाए ना आपकी अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है. और यहाँ पर आके यू गेट अ वेरी ब्यूटिफुल व्यू. आपको कश्तियाँ जो हैं वो नज़र आ रही होती हैं, मछेरे जा रहे होते हैं, उसके साथ एक तरफ आइलैंड है, आपको उसका व्यू मिल रहा होता है, और इसके अलावा शिप्स जो हैं वो आ जा रहे होते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले जो शिप्स हैं, तो उनका व्यू भी आपको बड़ा खूबसूरत मिलता है. और यहाँ पे आके आप फिशिंग भी कर सकते हैं ख़ुद. नॉर्मली लोगों को ऐसे लगता है कि ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और उसको इसीलिए बनाया गया कि लोग यहाँ पर आएँ सैर व सियाहत के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है. बेसिकली जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है हमारी जो शिप्स के थ्रू होती है कराची पोर्ट पे, तो जब यहाँ से बहरी जहाज़ गुजरते हैं तो उनकी उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनकी हिफाजत के लिए बेसिकली इसको बनाया गया. ये बिल्कुल कह लें कि ऐसे एक बंद सा होता है ना, वो बनाया हुआ है कि समंदर की जो ऊंची और तेज़ और ख़तरनाक लहरें हैं उनसे बहरी जहाज़ जो है उनको बचाया जाए. लेकिन वो तो बन गया, उसका पर्पज़ तो पूरा हो गया, लेकिन ये जगह इतनी खूबसूरत है कि यहाँ पर टूरिस्ट जो हैं वो भी आ रहे होते हैं. सो वैसे स्पेसिफिकली उस पर्पज़ के लिए नहीं बनाया, बट इट इज़ बींग यूज एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन एज वेल, क्योंकि इट्स अ वेरी पीसफुल प्लेस. सो यप, इट्स काइंड ऑफ अ प्लेस वेयर यू कुड कम व्हेनेवर यू विजिटिंग कराची. चाइना पोर्ट जो कि मैंने आपको दिखाया, और मैं एंड तक नहीं गई एक्चुअली, मैंने टाइम बचाया, आई सेव माई टाइम, और मैं मिर्ची होके वापस आ गई हूँ बिकॉज आई थॉट कि इट्स द सेम एंड तक ना. लेकिन जब अगर आप जाएँ तो आप आखिर तक जा सकते हैं चाइना पोर्ट के. अच्छा, चाइना पोर्ट का थोड़ा सा आपको रास्ता समझाती जाती हूँ. अगर हम क्लिफ्टन से शुरू करें तो क्लिफ्टन से होते हुए आपने तीन तलवार तक पहुँचना है, तीन तलवार से आपने जाना है दो तलवार, वहाँ से बहरी आइकन टावर, और फिर अब अगर हम वहाँ से जाते जाएँ सीधा टूवर्ड कराची पोर्ट, तो कराची पोर्ट जाएँ ये साहली पट्टी जो है ना उसका रास्ता लेते हुए, तो वहाँ पर जाएँ तो साहिल समंदर के साथ साथ चलते जाएँ तो बीच में चाइना पोर्ट आता है टूवर्ड्स गोइंग कराची पोर्ट एक्चुअली, तो फिर आपको वहीं पे मिल जाएगा. इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट टू गो, और जगह मज़े की है, डू विजिट इट. अच्छा, अब आई एम गोना टेक यू टू द नेक्स्ट प्लेस विच इज़ मैग्नीफाइड साइंस, और मैग्नीफाइड साइंस बहुत ही फन और कूल जगह है. सो मैं वहाँ पे जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैंने उसका बहुत ज़्यादा सुना हुआ है, बहुत से लोगों ने उसका कहा हुआ है कि इट्स अ मस्ट गो प्लेस.
और वहाँ पे साइंस को जो है वो बड़ा अच्छा एलैबोरेट किया गया है, एज द नेम से मैग्नीफाई साइंस, तो उसमें साइंस को मैग्नीफाई करके आपको एक्सप्लेन किया गया है। एंड इट्स नॉट ओनली फॉर द किड्स, इट्स नॉट ओनली फॉर द एडल्ट्स, बल्कि बड़ों के लिए भी वहाँ पे सीखने को बहुत कुछ है। तो मैं तो वहाँ जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, एंड आई कम टू नो कि वहाँ पे कोई इवेंट भी आज हो रहा है, विच इज़ लाइक चिल्ड्रन मार्केट हैपनिंग ओवर देयर। सो हम चिल्ड्रन मार्केट में विजिट करेंगे, और उसके बाद में मैग्नीफाइड साइंस जो है वो आपको डिटेल में दिखाऊंगी। मैं TDF मैग्नीफाई साइंस सेंटर में मौजूद हूँ, और यहाँ पे एक इवेंट हो रहा है बेसिकली चिल्ड्रन मार्केट के नाम से। और मैग्नीफाई साइंस सेंटर ने बेसिकली एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है जहाँ पे आपको डिफरेंट स्टॉल्स नज़र आएंगे, और वो स्टॉल्स जो हैं वो बच्चों ने लगाए हैं वो सारी चीज़ों के जो कि उन्होंने खुद बनाई हैं, खाने के हवाले से हो या हैंडीक्राफ्ट के हवाले से हो, बहुत सारी आर्किटेक्चर की चीज़ें भी आपको यहाँ पर मिलेंगी जो बच्चों ने की हैं। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, और यहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड किया गया फॉर द एंटरप्रेन्योर स्पेसिफिकली, खास तौर पर फॉर द यंग चिल्ड्रन, जहाँ पे दे कुड शोकेस देयर टैलेंट। तो अभी चल के देखते हैं कि कौन कौन से स्टॉल्स मौजूद हैं, बच्चों ने क्या कुछ लगाया है, और किस तरह से पूरा आज का जो इवेंट है वो हो रहा है। जिस स्टॉल पे खड़ी हूँ वहाँ पे आपको स्टोन वर्क नज़र आ रहा होगा, और यहाँ पे तीन क्यूट सी बच्चियाँ हैं जिन्होंने एक्चुअली ये सारा काम किया है, तो उनसे चल के पूछती हूँ कि हाउ हैव दे मेड। हेलो, हेलो, क्या हाल है आपके? वेरी गुड। व्हाट्स योर नेम? मरियम। एंड व्हाट्स योर्स? अमा। आपका? अलीशा। अच्छा, तो आप तीनों बहनें? जी। अच्छा, तो मुझे अपने स्टॉल के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। हमें ये पता चला कि ये किड्स मार्केट हो रही है व्हाट्सएप ग्रुप से। अच्छा, सो एट दैट टाइम वी वेंट एक्चुअली एट होम एंड वी थॉट वी जस्ट गेट द स्टॉल एंड वी स्टार्टेड सर्चिंग ऑनलाइन ऑफ व्हाट वी कुड डू एंड वी फाउंड दिस आर्ट एंड वी फाउंड इट रियली इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट ऑफ द स्टफ इज लाइक रिसाइकल्ड फ्रॉम आवर ओन हाउसेस। ओह, सो दीस पेबल्स वर मोस्टली फाउंड एट होम एंड ऑल ऑफ द स्टफ दैट वी डिड प्रीवियसली। रियली? सो That's why we thought we could reuse it. Only the canvases are new over here. So you guys gonna tell me that who made this one? It was actually a team effort. Oh. Yeah. Everybody worked on the stones, the hair, the face, everything. How is the response so far? People are liking your work? It's good. They're really appreciating it. And that was really cute. Look how cute they've made this stuff. Look at this. That's really cute. Great effort. What's your name? My name is Aisha. Aisha, और आपके स्टॉल का क्या नाम है? Art by Aisha. Art by Aisha. वाह वाह, और ये सारी जो पेंटिंग्स हैं ये आपने खुद बनाई हैं? Yes, I made them. Really nice. All of them? Yes. कितना टाइम लगा बनाने में? ये तो बहुत सारी है. Like, I have done these over time since like the past 2 years. So the past 2 years you've been doing it? Yes. Really nice. अच्छा, and which one is your favorite? My favorite is that one. That one, that's really beautiful. We're gonna see it as well. And how did you get the idea of like painting these stuff? Do you think about things, or you just look at the stuff and then references through the internet? Like if I find them good, I just paint them. Really nice. So yeah. So are you liking it? Like selling your stuff? Yes. Really nice. आप इनके father. Assalam alaikum sir. अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि कितना इम्पोर्टेंट होता है पेरेंट्स की सपोर्ट बच्चों के लिए? पेरेंट्स की सपोर्ट तो बच्चे ही बताएंगे कि हर स्टेज पे इनको आर्ट के लिए सपोर्ट करते हैं। हाँ। आर्ट सप्लाइज वगैरह ही मैनेज करके टाइमली अरेंज करके रखना, आर्ट की क्लासेस, आर्ट का उनका इंटरेस्ट डेवलप रखना, एजुकेशन का मैनेज करवाना। इंटरेस्ट खुद डेवलप करते हैं कि बच्चों का इंटरेस्ट होता है, फिर आप कहते हैं कि हाँ बच्चों को अलाउ करना चाहिए? जो इंटरेस्ट होता है और वो इंटरेस्ट आपको ऐसा लगता है कि उसको एनहांस करना चाहिए, तो एनहांस करना चाहिए। अच्छा, और इस तरह के जो इवेंट्स हैं, व्हाट डू यू थिंक, ये कितने जरूरी होते हैं बच्चों के लिए? बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे इवेंट्स बच्चों को इनकरेज करने के लिए, बच्चों को अच्छा इनसे एक्सपोजर मिलता है। ठीक हो गया, थैंक यू, थैंक यू। आई एम जस्ट अमेज्ड के बच्चों ने इतनी मज़े मज़े की चीज़ें बनाई हुई है, छोटे छोटे बच्चे हैं और इतनी खूबसूरत
रिजाइनिंग की हुई है. आई एम एट अनदर स्टॉल, मेक अ विश स्टॉल के नाम में जाकर पूछती हूँ. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. व्हाट्स योर नेम? अनाया शाहज़ेब. अनाया शाहज़ेब. और आपके स्टॉल का नाम है मेक अ विश? यस. ओके, नाइस. और ये आपने ब्राउनीज खुद बेकी हैं? जी, ब्राउनीज एंड पैनकेक्स. ब्राउनीज एंड पैनकेक्स. पैनकेक्स बनाए, रियली नाइस. तो आपको कुकिंग का शौक है? बेकिंग पसंद है स्पेसिफिकली. यस. और क्या बनाना आता है? मुझे डोनट्स और कपकेक्स. डोनट्स और कपकेक्स भी आते हैं? जी. तो आपने सोचा है कि आप बड़े होके इस साइड पे ही जाओगे और यू विल डू समथिंग एल्स? I want to be a baker when you want to be a baker. Yeah. Really nice. और आपको अपनी बनाई सबसे मजे की चीज कौन सी लगती है? Brownies and donuts. Brownies and donuts. I am at another stall right now. और इस stall को इतने cute छोटे छोटे बच्चों ने लगाया हुआ है. और मजे की बात आता है all of them are triplets and they're just 9 years old. What's your name? My name is Eva. Eva, and what's yours? I'm Ihan. You're Ihan, and what's yours? My name is Ivan Malik. Your name is Ivan Malik, and you're here to support your sister? Yeah. Yes. Yes, right. So what did you make? So basically, we made this book called Self-Care. Uh-huh. So these days, people are not taking care of themselves. So that's why we decided to like make this book. In this book, there's like make your bed, take vitamins, basically anything that takes care of yourself. Really nice. And it's like daily based? Yeah, like about 6 months it lasts. About 6 months it lasts. Really nice. Yes. I love it. And what about the rest of the stuff? This is like... An art set. Yes. Did you help your sister in making art set? No. Maybe. Yes, he did. You did or not? Tell me the truth. Yes. Don't tell me the truth. Did you or not? No. Okay. But you're here to support your sister, right? Yes. Okay. He's here to support her sister. So basically, in this, you can like first paint it, and then you can like put glitter in this. Okay, really nice. And in which class do you study? I study grade 4. It's my second term, so by I think May I will go to grade 5. Really nice. You go to grade 5, and yes. You love selling this stuff? Yes. Really nice. Really nice. So happy to meet you. तो यहाँ पे बहुत सारे और बहुत मज़े के हैं, चूँकि टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट है. और मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो स्टॉल्स मुझे डिफरेंट थोड़े लग रहे हैं उन पे जाऊँ. और ये एक स्टॉल है जहाँ पे मुझे पानी की बॉटल्स तो नज़र आ रही हैं, बट दीज आर नॉट रेगुलर बॉटल्स. तो फिर मैं बच्चों से पूछूंगी कि व्हाट हैव दे डन. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट्स योर स्टॉल्स नेम? पानी. वाह, क्या यूनिक नाम है. इट इज़ वेरी कॉमन एंड कमर्शियल एंड यूनिक. ये पानी वाला आइडिया कहाँ से आया, पानी नाम का? पानी इज बिकॉज इट्स उर्दू एंड वी ट्राइंग टू जस्ट लाइक इट्स अट्रैक्टिव बाय द वे. इट्स वेरी अट्रैक्टिव. अच्छा, मुझे थोड़ा सा बॉटल्स का बताएं, क्योंकि रेगुलर बॉटल्स नहीं लग रही बच्चों. द आउटसाइड पार्ट इज कार्डबोर्ड एंड द इनसाइड इट्स अ मटेरियल लाइक प्लास्टिक बट इट्स नॉट प्लास्टिक. ओके, सो यू कैन वॉश इट सिंस इट्स हार्ड. So it is not plastic? It's not plastic. Okay, and it's sustainable? It's sustainable. How is it and helpful then it's to the environment? So it's biodegradable. It's plastic free. So okay. And it's biodegradable. So. Biodegradable as well. And do you know how long does it take to degrade? You can use it like 100 to 200 times, and then once you throw it away, it doesn't take too long to just go into the earth. Oh, really nice. That's such an amazing concept. So happy to see this and so happy for you guys. Are you guys enjoying doing this? Yeah. Like selling the stuff? Yes. And how did you get the idea of this actually? My sister got the idea. Uh-huh. She was thinking about a sustainable planet and plastic free, and she came up with this idea because most of the plastic going to the earth is plastic bottles. Uh-huh. So really nice, lovely. Good luck to you. Thank you. आपको मैंने स्टॉल्स सारे दिखा दिए, तो अभी चलते हैं मैग्नीफाई साइंस सेंटर के अंदर और वहाँ पे क्या है अंदर चल के देखते हैं. एंटर होते
सबसे पहले इट्स द रिसेप्शन देयर, और रिसेप्शन पे आपको बड़ा खूबसूरत सा मैग्नीफाइड साइंस लिखा हुआ भी नजर आएगा, और बड़ा मज़े का यहाँ पे आर्ट भी हुआ है। थोड़ा सा आपको इन टिकट के हवाले से बता देती हूँ। अच्छा, अगर आप वीकडेज में आते हैं तो टिकट है 800 की, और अगर आप वीकेंड्स पे आते हैं तो इट्स 900 रुपीज़। तो अभी अंदर चलते हैं और अंदर चल के विजिट करते हैं। मैग्नीफाइड साइंस सेंटर के अंदर मौजूद हूँ एंड इट्स सच अ फन एरिया। मुझे भी आते इतनी मज़े की वाइब आई है ना यहाँ से। आई गोना एक्सप्लेन, बेसिकली ये जो है ये ग्राउंड फ्लोर है, और यहाँ पर जितने भी एक्टिविटीज़ हो रही है बच्चों, छोटे जो बच्चे हैं उनके लिए हो रही है, फ्रॉम क्लास 1 टू क्लास 5। उसके बाद फर्स्ट फ्लोर आता है, फर्स्ट फ्लोर पर फ्रॉम क्लास 6 टू 10, और उसके बाद आता है थर्ड फ्लोर, वहाँ पे जो है बड़े बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ हैं। तो मैं आपको साथ साथ बताती चलती हूँ। मेरे पीछे जो है इस वक्त यू कुड सी दैट्स कराची मोहल्ला, और एक बच्चों को पूरा एक्सप्लेन किया गया कि जो कराची की रियल पिक्चर है वो किस तरह से, और उसी के बीच में बच्चों के लिए गेम्स हैं दैट दे कुड प्ले, और उसके आगे जो है वो भी कुछ एरियाज हैं, वहाँ चल के करीब उसको दिखाती हूँ आपको। लिटिल लर्नर्स एरिया, और ये जो स्पेसिफिक है दैट सैंड बॉक्स ड्राॅइंग टेबल, और इसके ऊपर अब इसको बिल्कुल प्लेन करके सैंड को कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, व्हाटएवर यू वांट टू। एज यू कुड सी दिस लिटिल किड कम अप हियर, क्या ड्रॉ करने लगे आप, सो क्यूट। सो बेसिकली दैट्स अ प्ले एरिया फॉर द किड्स, और एक ये बॉक्स बना हुआ है। इसी तरह से कुछ और एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर बच्चों के लिए, बट इट्स रियली फन थिंग। मैं तो कहती हूँ बच्चों के लिए, बल्कि बड़े भी यहाँ पे बहुत सारी गेम्स में खेल सकते हैं। सो यार दैट्स द एरिया फॉर द किड्स, और अभी चलते हैं बाकी जो दूसरा एरिया वहाँ पे चल के आपको वो दिखाती हूँ। अदर फन एरिया फॉर द किड्स, और आप ये देखिए कि ये एम्बुलेंस यहाँ पे मौजूद है बाकायदा तौर पे। अंदर देर इज़ अ बॉडी एज वेल, और ये जो पूरा एरिया है मेडिकल समझाने के लिए यहाँ पे है, एंड यू कुड सी द एम्बुलेंस, और एम्बुलेंस के साथ साथ यहाँ पे पूरी एक बॉडी बनी हुई है, और यहाँ पे डिफरेंट साउंड्स भी आती हैं। लेट मी शो यू। एक्चुअली ये एक स्ट्रक्चर है विच इज़ हार्ट, ये एक ऑर्गन है हार्ट, और ये ब्रीदिंग के लिए। तो अगर मैं इस पे रखूँगी तो हार्ट की साउंड आएगी, और अगर इस पे रखूँगी तो ब्रीदिंग की साउंड आएगी। चेक कर लेते हैं अभी, कैन यू हेयर इट। और अगर मैं ब्रीदिंग पे रखूँ लंग्स के ऑर्गन पे, तो किस तरह से जब आप सांस लेते हैं, बेसिकली दैट्स अ लर्निंग प्रोसेस फॉर द किड्स, के बच्चों को ताकि उनकी पहचान हो जाए कि किस तरह से आवाज़ आती है अगर दिल धड़के या फिर अगर आप सांस लें। सो दिस इज़ फॉर द किड्स एज वेल, एंड देयर इज़ अनदर पार्ट जहाँ पे सर्जरी का एक प्रोसेस हो रहा है, और यहाँ पे इट्स एन इंस्ट्रूमेंट, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बेसिकली, और ये कोई ऑर्गन है बॉडी का जिसने आपने बगैर टच के निकाल के यहाँ पे रखना है। दिस इज़ फॉर द किड्स एज वेल टू मेक देम लर्न, दैट्स ऑपरेशनल टेबल बेसिकली। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे लगी इज़ दिस, यू कुड सी ये पूरा एक जो है स्केलेटन बना हुआ है बच्चों को सिखाने के लिए। आप ये जो स्केलेटन है इसके पार्ट्स अलग हो जाएंगे लाइक दिस, इनको आगे कर दें, पीछे कर दें, ऐसे कर दें, यूँ सारा ख़राब कर दें। सो बच्चे जो हैं इससे ये सीखेंगे जैसे कि कौन सा बॉडी पार्ट, जैसे पेल्विक पार्ट है तो पेल्विक पार्ट यहाँ आ जाएगा, दैट्स द अपर बोन, दैट्स द लोअर बोन, ये यहाँ आ जाएगी, फिर हमारा रिब केज इधर आ जाएगा, फिर हमारा जो स्केलेटन है वो यहाँ आ जाएगा, हेड जो है स्कल बेसिकली वो यहाँ आ जाएगा, फिर हमारी ये बोन जो है वो आ जाएगी इधर, एंड दिस वन हियर, हाँ कुछ इस तरह से ही ना, लाइक दिस बनाएगा नहीं। अच्छा, एंड दैट्स अनदर प्ले एरिया फॉर द किड्स, यहाँ पे आई गेस इसके बीच में। हैव यू गाइस प्लेन द गेम जिसमें ये इस तरह से स्ट्रक्चर बना होता है, बीच में बॉल होता है, सो यू विल मूव लाइक दिस, और फिर उस हिसाब से बॉल मूव करेगा। सी ये इधर गया, अब बॉल को लेकर आए इधर, यहाँ से हम लेके गए इसको इधर, and it's out, और ये एंड पे चला गया। so that's how it is, और फिर उसके बाद medical के लिए इतनी सारी चीज़ें थी, and this comes in medical as well। अगर dentistry के हवाले से बच्चों को कुछ सिखाना है तो पूरा ये एक structure बना हुआ, you could see the teeth,
टंग इतनी बड़ी और फिर इतना बड़ा ब्रश भी है. सो यहाँ से आप छोटे बच्चों को सिखा देते हैं कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू ब्रश योर टीथ लाइक दिस एंड टू ब्रश योर टंग एज वेल. यू कुड ब्रश योर टंग लाइक दिस या फिर इस तरह से भी. सो दिस इज़ फॉर द किड्स लर्निंग. अब यहाँ पर क्या है कि एक एक जो दांत है वो भी निकल के बाहर आ जाएगा. सो इससे भी चिल्ड्रन वुड लर्न कि कौन से दांत जैसे ये अलग हैं, ये अलग हैं, ये अलग हैं, इंसाइजर्स हैं, केनाइंस हैं. सो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है बच्चों को इस पार्ट से मिलती है. सो इसी तरह से एक और पार्ट है वहाँ पे जहाँ पे आप अपना जो बॉडी मास है ना वो कैलकुलेट कर सकते हैं. उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी कितनी हाइट होनी चाहिए, कितना वेट होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आपका जो है किस तरह से पूरी बॉडी की कैलकुलेशन होती है. सो दिस इज़ अ मेडिकल पार्ट और निचले फ्लोर पर भी काफ़ी सारे पार्ट्स आपको वो दिखाती हूँ. डैम की रिप्रेजेंटेशन है. यू कुछ इट्स काइंड ऑफ अ मिनी डैम. आप ये काम किस तरह से करते हैं मैं आपको अभी दिखाती हूँ. सो यहाँ पे बन बना हुआ है और यहाँ पे पानी सारा इकट्ठा है. अगर हम इस बन को उठा देंगे तो पानी इस तरह से निकलना शुरू हो जाएगा. सो दैट्स हाउ इट गोज़. और जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे आगे फिर बन लगे हुए हैं तो इसमें से हम एक उठाएंगे और पानी फिर आगे इस तरह से निकलता निकलता आगे तक पहुँच जाएगा. सो एक्चुअली दैट्स हाउ डैम्स वर्क. और बच्चों को रिप्रेजेंट करने के लिए, उनको समझाने के लिए उसको छोटा सा इस तरह से बनाया गया है. एंड इट्स वेरी कूल कि बच्चों को समझ भी आ रही है, उसको सीख भी रहे हैं और उसके साथ साथ इट्स काइंड ऑफ अ फन एक्टिविटी एज वेल. सेक्शन राइट नाउ जिसका नाम है वर्ल्ड विद इन अस और आई एम ऑन साइकिल. बेसिकली यहाँ पे आपको एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन मिलती है जो आप जिस तरह से साइकिल चला रहे होते हैं. एक साइड पे आपको नज़र आता है कि आपकी स्पीड कितनी है और जितनी आपकी स्पीड है उस हिसाब से आपकी कैलोरीज बर्न हो रही होती हैं. सो एक तो उसकी एक्सप्लेनेशन है. दूसरा ये कि यहाँ पे ये बताया गया कि साइकिलिंग इज़ हाउ मच इम्पॉर्टेंट, कितनी ज़रूरी है आपकी हेल्थ के लिए. सो दिस इज़ अ साइंस पार्ट. आगे भी बहुत सारी इसकी फन चीज़ें हैं, वहाँ चलते हैं. आई एम गोना शो यू समथिंग एल्स एज़ वेल. Such a fun place. I have this in my hand इसलिए क्योंकि हर तरफ शीशे लगे हुए हैं और अगर मैं सीधा गई तो मैं जाके टकरा जाऊंगी. सो आई हैव दिस इन माई हैंड. क्या करूँगी कि पहले आई एम गोना ट्राई दिस, इसे चेक करेंगे कौन सा रास्ता खुला है और फिर इस तरह से आगे जाएंगे क्योंकि हर तरफ शीशे हैं. पता नहीं किधर से बंद है. ओके ये खुला हुआ है, ये खुला हुआ है, नहीं ये तो रास्ता बंद है. आई हैव टू टेक द अदर पाथ वे. आई नीड टू सी. ओके ये रास्ता खुला हुआ है, ये भी खुला हुआ रास्ता. ऐसे लग रहा है कि हर जगह पे रास्ता ही रास्ता, बट एक्चुअली यहाँ पर रास्ता नहीं है. सो इट्स लाइक दिस. कैन यू गाइस सी मी? मैं, मुझे लगता है खुद ही घूम गई हूँ. हर जगह पे मुझे मैं ही नजर आ रही हूँ. देयर इज नोबडी एल्स. ओके आई फाउंड द पाथ वे. इट्स सच अ फन प्लेस. आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट माई ओन सेल्फ क्योंकि मुझे यही नहीं पता चल रहा होता कि कौन सा मिरर है और कौन सा रास्ता है, क्योंकि हर जगह रिफ्लेक्शन ही नजर आ रहा है. बट इसकी साइंस बहुत ही मजे की है कि इस तरह से मिरर्स को प्लेस किया गया है कि आपको पता नहीं चले कि आपका रिफ्लेक्शन कौन सा है और असल में आप किधर. आई गेस आई फाउंड माई वे, यही रास्ता बाहर जाने का. अदर सेक्शन एज वेल जो कि रीन्यूएबल एनर्जी का है और उसमें टाइडल एनर्जी आती है, विंड एनर्जी आती है, तो इसके अलावा सोलर एनर्जी आती है, यानी कि सूरज जो है उससे आप किस तरह से एनर्जी लेके उसको रीयूज कर सकते हैं. उसके अलावा फिर
विंड हवा से जो उसके हवा के चलने से उसके प्रेशर से जो एनर्जी बिल्डअप होती है उसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और टाइड्स जो समंदर की जो लहरें हैं उनसे जो एनर्जी डेवलप हो रही है उसको किस तरह से यूटिलाइज किया जा सकता है ये सारी एक्सप्लेनेशन इस सेक्शन में मौजूद है। सो यार दिस इज़ अबाउट मैग्निफाइड साइंस, यहाँ पे बहुत कूल चीज़ें हैं और मुझे नहीं पता था कि मुझे इतना ज़्यादा पसंद आएगा। इवन जो किड सेक्शन है वो भी मेरा बहुत फेवरेट है क्योंकि वहाँ पे बच्चों के लिए छोटे बच्चों की इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन इतनी अच्छी लैबोरेशन है कि थ्योरेटिकल वो अपनी बुक्स में पढ़े और यहाँ पे उनको एक्सप्लेन मिल जाए सारी की सारी चीज़ें कि किस तरह से एक्चुअली प्रैक्टिकली हो रहा होता है और छोटे बच्चों के भी सेक्शन हैं। और अगर इस सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए बहुत कुछ मौजूद है। सो कराची में दिस प्लेस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू विजिट व्हेन वी कमिंग टू कराची। मैं इस वक्त सबीना दाऊद साहिबा के साथ मौजूद हूँ जो कि द दाऊद फाउंडेशन की वाइस चेयर हैं और चूंकि मैग्निफाइड साइंस सेंटर जो है उसका प्रोजेक्ट है मैंने अभी विजिट किया है और ऑनेस्टली मैं हैरान रह गई हूँ कि ये किस तरह से बना है, क्या कुछ है इसमें। मुझे समझ नहीं आ रही थी एक जगह पे जाऊँ दूसरी पे जाऊँ, क्या एक्सप्लोर करूँ क्या नहीं, लर्निंग के हवाले से फ़न के हवाले से, और आई डोंट थिंक सो किस तरह की कोई और चीज़ मैंने पाकिस्तान में कहीं देखी होगी। तो सबसे पहले तो आई एम जस्ट गोना आस्क यू कि आइडिया आपके जहन में आया कैसे था कि यू गाइस गोना मेक दिस। जी एज आई सेड बिफोर साइंस सेंटर्स एंड स्पेसेस लाइक दिस ये पूरे दुनिया में आपको मिल सकती हैं और है भी मैसर भी है। तो जब मैं मेरे बच्चे हुए मैंने देखा कि वहाँ के बच्चे जाते हैं और इस तरह की चीज़ें उनके पास होती हैं और वो एक्सप्लोर करते हैं उनको, तो मेरा भी दिल करा कि हमारे भी पाकिस्तान में कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए। और ये बस मेरी खुशकिस्मती है कि कुछ ऐसी टीम मिल गई मुझे जो जिसने फ्रॉम स्क्रैच हमने ये एग्जिबिट्स बनाना, इसकी पूरी कैपेसिटी बिल्डिंग करना, अंडरस्टैंडिंग किस तरह एग्जिबिट्स बनते हैं पूरा हमने सीखा कि किस तरह होता है। और फिर उसके बाद आफ्टर 8 years हमने फाइनली गॉट द पोजीशन के हमने जिस तरह की अजूबा बना हुआ है ऑनेस्टली इट्स मैजिकल। इसको लगता है नहीं कि 8 साल, मुझे लगता है इससे भी ज़्यादा 8 साल लग गया होगा इसको बनाते हुए, बट दिस इज सो ब्यूटीफुल। अच्छा आपका मैंने ये सुना है कि लाइक आई एम जस्ट लाइक विजिटिंग एंड पीपल आर टेलिंग इट्स लाइक साइंस फॉर एवरीबॉडी, यू कम अप विद दिस कॉन्सेप्ट, तो इसके पीछे व्हाट यू थॉट ऑफ? जी वी रन अ गर्ल्स स्कूल एज वेल, सो आई सो ऑफन फाइंड इट फ्रस्ट्रेटिंग दैट एवरीथिंग इज एक हर चीज़ क्लासरूम के अंदर है और वो जो क्लासरूम के अंदर है वो टीचर के ऊपर एक लोड है और बच्चे जो है आजकल के दे उनको वो जो मोहब्बत होनी पढ़ने से वो ख़त्म होती जा रही है, बोरिंग होता जा रहा है। और हमें जो बाहर के मुल्कों में आपको मिलता ना कि वो है कि पढ़ने और लर्निंग के ना बहुत सारे अलग अलग तरीके, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल वहाँ पे दोनों हो जाता है, बट वी जस्ट लैकिंग हमारा सिर्फ एक्सपीरियंशियल एक्सपीरियंस, यू एक्सपीरियंस द लर्निंग और इमर्सिव होता है और इंटरैक्टिव होता है। सो देयर थ्री अदर एलिमेंट्स दैट हैव कम इनटू लर्निंग नाउ। अच्छा दाऊद फाउंडेशन के मुझे बताएगा कि और कौन से प्रोजेक्ट है जिन पे काम कर रहे हैं? मोस्टली कराची बेस्ड हैं बट अभी हम ना पहले तो हम 1960s का इदारा है तो पहले तो इन्वेस्ट किया था मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने, मेरे ग्रैंड फादर इन टू मोर लाइक इंस्टीट्यूशंस बनाना और बिल्डिंग्स बनाना, दाऊद यूनिवर्सिटी एंड ऑल दैट। लेकिन फिर बनाया कि मैंने तो वी ट्राइड कि हम ब्रिक्स एंड मोर्टर के मॉडल से हटें और उस मॉडल में था कि इनफॉर्मल लर्निंग स्पेसेस बनाएं। तो इनफॉर्मल, सो दिस इज इनफॉर्मल लर्निंग स्पेस। इनफॉर्मल लर्निंग स्पेस का ये मतलब होता है कि इट डजंट मैटर आपकी उम्र क्या है, आपका जेंडर क्या है, आप किस बैकग्राउंड से हो, आपको कितना आता है कितना नहीं आता, आप जितना आपके लेवल का है आप खुद समझ सकते हो और आपके डजंट मैटर कौन से इंटेलेक्चुअल लेवल के हो, इंटेलिजेंस कितनी या कितना कुछ किया हो, इट डजंट मैटर, आप इतना ही सीखते हो जो आप। और एंड मोर इम्पोर्टेंटली इनफॉर्मल लर्निंग मीन्स इट्स फ्री चॉइस, आपकी मर्जी आप कितना सीखते हैं। प्रोजेक्ट क्या है दाऊद फाउंडेशन के, किन चीज़ों पे और आप काम कर रही हैं? कोशिश तो ये है कि हम और तरीक़ेकार सोचें और सेंटर्स, एक सेंटर से पूरे पाकिस्तान ही सर्व हो सकता है। होप है कि हम किसी भी तरीके से और तरीके सोचें और प्रोजेक्ट सोचें, लोगों को ढूंढें जो हमारे साथ कलेबरेट करके और साइंस के प्रोजेक्ट्स लगाएं, ताकि क्योंकि साइंस जो है ना वो आपका बेसिस है। साइंस आपको 2-3-4 चीज़ें सिखाता है, क्रिटिकल थिंकिंग सिखाता है, ऑब्जर्वेशन सिखाता है, कॉज एंड इफेक्ट सिखाता है, ये सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती ना, ऑब्जर्वेशन सिखाता है, वो बहुत ज़रूरी है कि हमारे बच्चों में और हम सब में
हम भी सीखें और बच्चों को भी चीजें सिखाएं. दैट्स अमेजिंग एंड अ लॉट ऑफ एप्रिसिएशन फॉर यू. आई विश किसी तरह के सेंटर्स हमारे पाकिस्तान के बाकी हिस्सों में भी, बाकी शहरों में भी बने, ताकि जो लोग अभी वहां तक इस लेवल तक नहीं पहुंचे, ये चीज उन तक पहुंचे, दे कुड लर्न एज वेल. थैंक यू सो मच. था मैग्निफाइड साइंस जो कि मैंने आपको दिखाया, एंड इट वाज सच एन इंफॉर्मेटिव एंड फन प्लेस एट द सेम टाइम. पहले मैंने आपको बाहर जो चिल्ड्रन मार्केट लगी हुई थी सारी वो दिखाई, जितने भी स्टॉल्स थे वो दिखाया, एंड देन वी वेंट इनसाइड और वहाँ पे इतनी मजे की चीज़ें थी हर एज ग्रुप के लिए. दैट वाज सो मच फन. फिर उसके बाद बाहर में आई तो तब तक अंधेरा हो चुका था और अभी एक्चुअली अंधेरा हो गया, काफ़ी लेट हो रहा है. सो आई गेस आई शुड मूव फ्रॉम हेयर. और कोशिश ये है कि मैं हर प्रोग्राम में, हर एपिसोड में आपको कोई ना कोई खाने की जो चीज़ है कराची की जो मशहूर है वो लाजमी दिखाती जाऊँ और उसको टेस्ट करूँ. सो आज का प्लान ये है कि आज हम जाएंगे एक और खाने की लोकेशन पे, और किस खाने की लोकेशन पे जाएंगे वो मैं आपको जाके ही बताऊँगी. फाइनली मैं खाने वाली जगह पे पहुँच गई हूँ और एज ए सेड कि मैं आपको वहाँ जाके बताऊँगी कि वेयर आई हैव रीच. सो आई एम एट डोराजीज राइट नाउ और ये भी कराची की बहुत फेमस फूड स्ट्रीट है. मैं इस वक्त मौजूद हूँ द फेमस मेमन बाइट्स पे, जो कि डोराजीज पे है, और मुझे इनका पता चला कि इनकी एक स्पेसिफिक डिश है खाउसे, जिसे खाउसे भी कहते हैं और खाउसा भी कहते हैं नॉर्मली. बट आई केम टू नो इज स्पेसिफिकली बीइंग कॉल्ड एज खाउसा. सो वो इनकी स्पेसिफिक डिश जो है मैं ट्राई करने के लिए यहाँ पे आज मौजूद हूँ. एंड यू कुड सी ये थाली सी बनी हुई है डिश, इसको खाउसा कहते हैं, सही है. और उसके साथ यू कुड सी ये है थाली, मिक्स थाली, जिसमें आपको चाट और ये आलू, ये सारी चीज़ें नज़र आएंगी. तो ये भी बहुत मज़े की चीज़ है. हमारी आज की जो मेन डिश है वो है खाउसे, और देखने में बहुत खूबसूरत लग रही है. अच्छा, इसे बड़ी डिफरेंट डिफरेंट सी चीज़ें हैं. पहले तो इट्स वेरी न्यू फॉर मी, क्योंकि इस तरह की जो डिश है मेरा नहीं ख्याल कि कराची के अलावा कहीं और आपको मिलती होगी. लाहौर में तो बिल्कुल नहीं है, और आई डोंट थिंक सो कि इस्लामाबाद या पिंडी में भी मौजूद है. बट इसमें क्या कुछ है मैं आपको बताती हूँ. सबसे पहले वी हैव दिस चिकन इन इट. अच्छा, इसका ना इन्होंने मुझे खाने का तरीका भी बताया स्पेसिफिक. ये एक और सालन है. ये कौन सा सालन था? कढ़ाई है. अच्छा जी, ये कढ़ाई है. मैं साथ साथ आपको दिखाती हूँ. बहुत खूबसूरत प्रेजेंटेशन है और खुशबू भी बहुत प्यारी खुशबू आ रही है. और ये है दूसरा सालन. अच्छा, बीफ है. एक कढ़ाई है, एक बीफ है, एक चिकन है. सारी वेराइटी आपको मिलेगी. और ये है पापड़ी. अच्छा, बड़ी मज़े की पापड़ी है, छोटे छोटे साइज में बनी हुई. लुक एट दिस. सो ये है कड़ी. कड़ी है ना ये, सही. और कड़ी के ऊपर है गार्लिक, ड्राई गार्लिक है. फिर है नूडल्स. अब मुझे टेंशन क्या है, बेसिकली टेंशन मुझे ये है कि मैंने इसको खाना किस तरीके से है. आई नीड टू अंडरस्टैंड दिस. अच्छा, नॉर्मली क्या होता है कि कड़ी चावल खाए जाते हैं, लेकिन ये है नूडल्स और कड़ी. उसके साथ काफ़ी सारे सालन हैं जो कि आप ट्राई कर सकते हैं. सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई एम ट्राइंग खाउसे. अभी देखते हैं कि एंड रिजल्ट क्या आता है. देखने से तो बहुत मज़े की लग रही है, खुशबू बहुत मज़े की है, प्रेजेंटेशन इज वेरी गुड. बट लेट जस्ट ट्राई इट आउट कि हाउ इट इज. लेट्स सी नूडल्स और कड़ी फॉर द फर्स्ट टाइम. फिक्स भी होगी ना. It's quite good, tasty है, it's yum. अच्छा, हमारे पास और भी variety है. So what are we gonna do is मैं इसको निकाल के बाहर रखती हूँ थोड़ा सा.
बहुत मज़े का टेस्ट है, बहुत डिफरेंट टेस्ट है। मैंने तो पहली बार ट्राई किया और मुझे बहुत मज़ा आया। यू गाइस कुड ट्राई इट आउट खाउसे और खाउसा बेसिकली एट बेसिकली आप इसको यहीं पर ट्राई कर सकते हैं विमेन बाइट्स पे। व्हेन आर यू कमिंग टू दोरा जीज? और थाली जो है दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एज वेल टू ईट, मज़े की भी बहुत है, बहुत चटपटी सी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। सो दिस इज़ अबाउट टुडेज एपिसोड, आई लव्ड इट टुडे बिकॉज बहुत सारी जो है हमें नई चीज़ें खाने को मिली हैं। स्ट्रीट फूड जो है आई हैव एक्सप्लोर्ड, जिसका मैंने सुना हुआ था बिफोर कमिंग टू कराची कि जब भी कराची आऊँ ये खाना है। सो बहुत मज़े की चीज़ें भाई, कराची की एक चीज़ तो कन्फर्म होगी ना, खाना जो है वो कराची का ही है। लाहौर के खाने मज़े के हैं बट खानों में ना कराची का कोई मुकाबला नहीं। सो आप इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मैं अपना खाना ख़त्म करूँगी और आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी और खूबसूरत सारी जगह पे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान एंड कीप वॉचिंग डिस्कवरी राइड विद राफ़ी असलम। अल्लाह हाफ़िज़।